दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi की तरफ से थर्ड बैच की लिस्ट सामने निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पर थर्ड बैच की लिस्ट में कौन से डिवाइसों के नाम देखने के लिए मिलते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले। वैसे यहाँ पर मेरा सवाल है, सेकंड बैच की लिस्ट कहाँ है? बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब जो लिस्ट आई है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन से डिवाइस है। तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑल पे पिक कर देना। तो बात करते हैं यहाँ पर अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर अपडेट के बारे में, डिवाइस की लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कुछ डिवाइस ऐसे जिनको अपडेट काफी ज्यादा डिले देखने के लिए मिलने वाले। और यहाँ पर बताया गया जो थर्ड बैच की लिस्ट है उनके लिए जो अपडेट स्टार्ट होने वाले, ये अपडेट आपको एंड में से मिलना स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ डिवाइस है, जैसे Redmi 10X 4G का डिवाइस है। अब ये डिवाइस इंडिया में Redmi Note 9 के नाम से मिलता है, Redmi 9 का डिवाइस है जो कि इंडिया में Redmi 9 Prime के नाम से मिलता है, और Redmi Note 9 4G का डिवाइस देखने के लिए मिलता है। तो ये जो डिवाइस है इनके बाद इसके ऊपर यहाँ पर कंफर्म नहीं कि इनको अपडेट कितनी जल्दी देखने के लिए मिलेगा, मिलने वाला है लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं कितनी जल्दी अपडेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इश्यूज देखने के मिले जो कि अभी फिक्स नहीं हुए, तो जिसकी वजह से अपडेट उनको अगस्त के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर जो डिवाइस के मैंने ऊपर नाम लिए तो उन डिवाइस को अगस्त के आसपास ही अपडेट मिल सकते हैं। लेकिन बात करें जो न्यू लिस्ट है थर्ड बैच की लिस्ट उनके डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Redmi डिवाइस है, Redmi Note 9 Pro का डिवाइस देखने मिलता है, Redmi Note 9 4G का डिवाइस देखने मिलता है, Redmi Note 9 Pro इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा Redmi K30 का नाम है जो कि इंडिया में Poco X2 के नाम से मिलता है, तो अच्छी बात है यार, आप लोग के डिवाइस का नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। Redmi K30 5G है, K30i 5G है, Redmi 10X का नाम देखने के लिए मिलता है, Redmi 10X Pro देखने मिलता है जो कि चाइना साइड में देखने को मिलता है। इसके अलावा Redmi Note 9 का भी नाम देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा Redmi K30 Extreme Edition है, Redmi Note 11 Pro का डिवाइस है, Redmi Note 11 Pro Plus का डिवाइस है, इंडिया में तो यार ऑलरेडी मिल चुका है बट यहाँ पर ये अदर कंट्री के लिए बताया गया। इसके अलावा Redmi 10X 4G का डिवाइस है जो कि इंडिया में Redmi Note 9 के नाम से मिलता है, और Redmi 9 इंडिया में Redmi 9 Prime के नाम से देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा MI के कुछ डिवाइस बताए गए, MI 10 Lite, MI 9 Pro, MI CC 9 Pro, ये कुछ डिवाइस के नाम देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये जो डिवाइस के नाम है इनमें से कुछ डिवाइस आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और यहाँ पर जो लिस्ट है ये लिस्ट है थर्ड बैच की लिस्ट, अब पता नहीं सेकंड बैच की लिस्ट कहाँ पर गई। बाकी यहाँ पर इस लिस्ट में तो यही कुछ डिवाइस के नाम देखने के लिए मिले हैं, और काफ़ी सारे डिवाइस के नाम मिसिंग है, पोको सीरीज के डिवाइस के नाम मिसिंग है, इसके अलावा रेडमी सीरीज के भी डिवाइसों के नाम मिसिंग है। तो इन डिवाइस को अपडेट फिर कब देखने के लिए मिलेगा? अब यहाँ पर मुझे लगता है और फिर से एक नई लिस्ट निकल के आ सकती है। फिलहाल के लिए जो लिस्ट आई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी भी काफ़ी सारे डिवाइस को ऐड किया जाना बाकी है। लेकिन यार मुझे लगता है कि आप लोगों को सेकंड बैच की लिस्ट के बारे में भी बहुत ही जल्द पता लग सकता है। अब देखते हैं सेकंड बैच की लिस्ट में कौन से डिवाइस को नाम देखने के लिए मिलता है, और मुझे लगता है काफ़ी सारे अच्छे डिवाइसों के नाम देखने के लिए मिलेंगे, जैसे Redmi Note 9 Pro Max हो गया, इसके अलावा Redmi Note 10 सीरीज के कुछ डिवाइस हो गए, इसके अलावा Poco सीरीज के कुछ डिवाइस हो गए। तो उनके लिए यार सेकंड बैच की लिस्ट में डिवाइसों के नाम देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि अप्रैल में जून के आसपास देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जो लिस्ट एक सामने निकल के आई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया, और यहाँ पर उसके लिए बताया कि ये जो अपडेट है कब तक रोल आउट हो सकते हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब देखते हैं Xiaomi की तरफ से क्या एक और नई लिस्ट निकल के आती है। मुझे लगता है एक डेफिनेटली अलग से और एक नई लिस्ट निकल के आएगी जिसमें सेकंड बैच थर्ड बैच की लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है। अगर लिस्ट नहीं भी निकल के आई तो मुझे लगता है अपडेट तो डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि यार अभी काफ़ी सारे डिवाइस को अपडेट मिल भी रहे हैं, जिन डिवाइस को नाम फर्स्ट बैच की लिस्ट में भी नहीं था उनको भी अपडेट मिल रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर और कौन सी लिस्ट सामने निकल के आती है। जैसे कोई भी लिस्ट निकल के आती रहेगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इन्फॉर्म कर दूंगा और वीडियो के जरिए भी बता दूंगा इसके लिए आप लोगों को क्या करना है। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑल पे पिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अपडेट के बारे में पता चल जाएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।